हेलो ग्रेट वन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर हिंदी क्लास। बच्चों, कल हमने हिंदी व्याकरण में पार्ट 2 वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। आज हम एक बार फिर से वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसको लिखने का अभ्यास भी करेंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले आप अपनी नोटबुक पर आज की डेट मेंशन करेंगे, 1/5/20 क्लास वर्क हिंदी व्याकरण पार्ट 2 हेडिंग वर्णमाला अल्फ़ाबेट। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि वर्णमाला किसे कहते हैं। स्वर और व्यंजनों को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं, जैसे हमने कल इसके बारे में पढ़ा था। बच्चों, अब वर्ण के भेद के बारे में पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ लेटर, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन हमने पहले भी पढ़ चुके हैं और कल भी हमने इसका अभ्यास किया था। तो बच्चों, आज हम इसका अर्थ क्या होता है और इसको लिखने का अभ्यास करेंगे। बच्चों, अब हम स्वर किसे कहते हैं और हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि स्वर की क्या परिभाषा होती है, जैसे आप देख रहे हैं मैंने बोर्ड पर लिखा है, और हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं वो भी मैंने बोर्ड पर लिखे। चलिए इसे पढ़ते हैं। स्वर यानी जिन वर्णों को किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोला जाता है उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे सारे स्वर लिखे हैं। हमारे हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। चलिए इन्हें पढ़कर इनका अभ्यास करते हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये सारे हमारे स्वर कहलाते हैं। बच्चों, स्वर के बाद हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं और यह कौन कौन से होते हैं। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर बोर्ड पर सारे व्यंजन लिखे हैं। चलिए एक बार इन्हें पढ़कर इनका अभ्यास करते हैं। क ख ग घ ङ च छ ज झ ङ ट ठ ड ढ ण ण ण त थ द ध न प फ ब फ म य र ल व श श स ह। तो बच्चों, हिंदी वर्णमाला में हमारे 35 व्यंजन होते हैं, क से लेकर ह तक, और अक्ष त्र ज्ञ और श हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों, अब आपको स्वर और व्यंजन की परिभाषा क्या होती है और यह कौन कौन से होते हैं इन्हें याद करना है और अपनी नोटबुक पर लिखना है। ओके, बाय बाय।